और देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अयोध्या धाम जंक्शन पर प्लेटफॉर्म की भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि आप अयोध्या अगर पहले आए होंगे और अब आप आएंगे तो आपको ये धाम जंक्शन की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आएंगी। चाहूंगी कि पैन करके दिखाएं, देखिए यहाँ एक ट्रेन जो अभी आई है उसके बाद यात्री कैसे निकल रहे हैं, और अभी हमने देखा था जय श्री राम के झंडे लेकर भी ज्योति चल रही है। बिल्कुल, और जय श्री राम के नारे के साथ ट्रेन से निकलती अयोध्या पहुंचती सुबह सुबह इस जनता को देखिए, देश के किन किन राज्यों से ये सभी लोग अभी से जय श्री राम करते हुए अयोध्या पहुंचने लगे हैं। कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करें और ये अनोखी तस्वीरें आपको भी दिखाएं। वैसे तो 22 जनवरी का इंतजार है जब रामलला का भव्य यहाँ पर जो स्थापना है वो की जाएगी, मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन अभी भी भक्त उनके दर्शन पाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर आज पहुंच रहे हैं। लेकिन अब अगली खबर आपको दिखा रहे, देखिए जय श्री राम के नारे गूंजने भी लगे, ये भगवा झंडा आपको नजर आ जाएगा, और जय श्री राम के नारे जो हैं, जैसे ही यात्री उतर रहे हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लेकिन खबर भी हमें बतानी है ज्योति, तो सीतापुर की खबर बता दे, जहां गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है, जिसकी वजह से 25,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। मामला एनकाउंटर का भी बताया जा रहा है। दरअसल बिट्टन अली नाम का ये शख्स था जो एक गौ तस्कर है, लंबे वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी, और जब ये पकड़ में आ गया तो इसके पास से क्या क्या बरामद हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, ये खबर देखिए। ये तस्वीरें यूपी के सीतापुर की हैं, जहां गौ तस्करी के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में आरोपी गौ तस्कर को गोली लग गई जिससे वो जख्मी हो गया। पुलिस के कंधों का सहारा लेकर चलता दिख रहा यही शख्स आरोपी है, और जख्मी होने की वजह से इसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। थाना इस्लाम नगर का रहने वाला है तथा सीतापुर की इमलिया सुल्तानपुर थाने से गैंगस्टर में वांटेड चल रहा है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम पूर्व से घोषित था। सुना आपने, आरोपी गौ तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। इसका नाम बिट्टन अली उर्फ सुहैब है। पुलिस टीम ने इसे दबोचने की कोशिश की तो बिट्टन फायरिंग करने लगा। चलिए अब ये जान लीजिए कि इसके पास से पुलिस को क्या क्या बरामद हुआ। एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक अवैध शस्त्र, कुछ जिंदा कारतूस इत्यादि अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा इससे पूछताछ की जा रही है, इसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि पुलिस ने गौ तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद सीतापुर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, और पुलिस का साफ कहना है कि गौ तस्करी के खिलाफ उनकी ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।